गाइस मेरे घर का सबसे खतरनाक पंखा कौन चला दिया? गाइस मेरे घर का सबसे खतरनाक बालक ये ना 2 घंटे से खाना खा रहा है। देखिए 3 बजे बैठा है खाना खाने, 3:45 हो गया और तब तक ही खाना खा रहा है। मतलब ये सुधरेगा नहीं, इसको आज हम नहीं खिलाएंगे डेली। आई डैडू आज इसको प्यार नहीं किए हैं तो इमाम मुंह फुलाया हुआ है। क्यों मुंह फुलाया है? क्यों मुंह फुलाया क्यूटी? जाना अपना खाना खाने क्यों आ गया? इसको रोज रोज खिलाना पड़ेगा यार, मैं तंग आ गई, मैं नहीं खिला सकती हूँ रोज रोज। यार खाना बनाओ खिलाओ, इतना परेशान। शुरू शुरू जब अच्छा खाना बनता है ना तो जाके ना कढ़ाई के पास खड़ा रहता है कि बहुत टेस्टी खाना बन रहा है, दे दो। तो 2 घंटा से पहले इसके पेट के अंदर नहीं जा रहा, इसीलिए स्कूल से ये टिफिन खा के नहीं आता है। हम नहीं खिलाएंगे यार। खिला दो ना यार। किसके किसके साथ ऐसा होता है, दिमाग खराब हो जाता है। गाइस अभी है ना मैं खाना बना के आई हूँ, मेरा किचन इतना फैल गया, मैं चलिए आपको दिखा रही हूँ। इतना फैला है, काम वाली आएगी, देखिए कैसे फैला हुआ है। इस पूरे किचन को अभी हमको साफ करना पड़ेगा, कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोए हैं, फैलाना पड़ेगा। यहाँ पे खा खा के पूरा गंदगी अलग लगा है, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है पूरा। जब तक फिर घर साफ करते करते 1 बज गया है आज मेरा। आई अलगे मुंह फुलाया हुआ है। खिला दो ना। मामा जी खिलाइए, चलिए खाना खिलाइए, चलिए ना खिलाइए ना। आ गया प्यार दुलार, बस खोजता है ये बहुत लुटेरा लुटेरा बेटा है, बहुत इसको है ना बहुत जलन खोरी है। जब डैडू आते है ना तब मम्मा से बात करते तो इसको जलन खोरी हो जाता है। जितना देर तक डैडू बात नहीं किए ना उतना देर तक इसको जलन खोरी हो गया था बहुत तेज। अभी जा रहे थे तो मार मुंह फुला के रजाई के अंदर सोया हुआ था। जाइए जी, जाइए जाइए, छोड़िए जाइए, जा रहा हूँ, जाइए जाइए जाइए, रोने दीजिए इसको, इसी अपने हाल पे छोड़ दीजिए, इसको हाल पे छोड़ दीजिए, जैकेट पहनिए। डैडू जा रहे हैं, डैडू जा रहे हैं, अब शाम को आएंगे, रात को जाना है तो जा डैडू से मिल के आ, जा कपड़ा आयरन कराने वाला लेके जाइए, डेली का डेली आप छोड़ के जाते, कपड़ा आयरन नहीं हो रहा आपका। अब बस चलो खाना खिलाते हैं अभी। अरे हम उधर रखे हैं कपड़ा, हाँ मेरा लहंगा का देखिए गाइस क्या हाल बना है, मुंबई से सिलवा के आया था, धोने धुलवाने का इनको फुर्सत नहीं है मेरा लहंगा, धोने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों, इसका ग्लिटर गिर जाएगा इसलिए। इतना खूबसूरत लहंगा का पता नहीं कि हाल क्या हुआ है। जानते हैं गाइस बिग बॉस में देखिए डैडू गए, और डैडू जितना देर रहते हैं बस इसको डैडू से मतलब रहता है, तीसरा कोई इसका दुनिया में अपना नहीं है, ना मम्मा अपना है ना भैया अपना है, एक नंबर का सेल्फिश इंसान है ये, क्या बताए। उसको सब रख दीजिए एक साथ, सब एक साथ रख, हाँ इसमें सब नहीं उसमें नहीं, अपना झोला नहीं है क्या आपके पास? कपड़ा रखिए, आयरन करवा लीजिए सारा कपड़ा, बाद में मत बोलिएगा कि कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आयरन करने को नहीं दे रही है। आइए कुर्ता पैजामा लखनऊ से ये खरीदे थे वहां से कानपुर से, अभी तक नहीं सिलवाए आप, दे दीजिएगा ना नाती सिल देगा। गाइस ये कुर्ता का कपड़ा खरीदाया है, 2 महीना से ऊपर जा रहा है, आई नापी है ये कुर्ता का कपड़ा, अभी तक इनका नहीं सिलाया, दे दीजिए, दे दीजिए, एक नंबर का आलसी, मेरा आलसी पति और आलसी बच्चा, हमी के नसीब में था आलसी पति और आलसी बच्चा। ये अंश खोल के आया, छत पर का गेट क्यों खोल के आया, बंदर आ जाएगा घर में, जाना बंद करके आओ, चप्पल ले जाइए नीचे छोड़ दीजिए, मेरा एक चप्पल रेड वाला गायब हो गया है, ऐसी फोम वाला किट्टू। डैडू जा रहे हैं ऑफिस बेटा। गाइस मैं जा रही हूँ अंश को नाश्ता कराने, और मेरे पति जी चले गए ऑफिस, चलो चलो खाना खिला, चलो मेरे